बिहार में नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार 16 अगस्त को हो गया। इसमें 31 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। शपथ लेने वाले विधायकों में सबसे ज्यादा आरजेडी के 16 विधायक हैं। आरजेडी के इन विधायकों में कार्तिकेय सिंह भी शामिल हैं। कार्तिकेय सिंह शपथ लेने के साथ ही विवादों में फंस गए हैं। राजद विधायक और अब कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के खिलाफ 16 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करने का वारंट जारी किया गया था। दरअसल कार्तिकेय सिंह के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज है और इसी को लेकर उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने कोर्ट में सरेंडर तो नहीं किया बल्कि 16 अगस्त को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ जरूर ले ली। कार्तिकेय सिंह आरजेडी के बाहुबली अनंत सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। कार्तिकेय सिंह पर पटना के बिहटा थाने में 2014 में अपहरण का केस दर्ज हुआ था। उन पर एक बिल्डर की हत्या के इरादे से अपहरण की साजिश का आरोप है। इस केस में चार्जशीट फाइल हो चुकी है। कार्तिकेय सिंह के खिलाफ इस केस में 14 जुलाई 2022 को वारंट जारी हुआ था और उन्हें 16 अगस्त 2022 को सरेंडर करना था, लेकिन कार्तिकेय सिंह सरेंडर के बजाय शपथ लेने चले गए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से जब इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि इस मामले में विपक्ष ने राजनीति शुरू कर दी है। प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने कहा है कि नई सरकार में जंगल राज की वापसी हो रही है। सुशील मोदी के अनुसार महागठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल में बाहुबलियों की भरमार कर नीतीश कुमार ने बिहार में डरावने दिनों की वापसी सुनिश्चित कर दी है। सुरेंद्र यादव, ललित यादव, रमाकांत यादव और कार्तिकेय सिंह जैसे विधायक मंत्री बनाए गए, जिनके नाम से इलाके में लोग कांपते हैं। इन पर आर्म्स एक्ट, यौन शोषण, हत्या के प्रयास और अपहरण जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। इसमें आपराधिक चरित्र के लोगों की भरमार है। ये सुरेंद्र यादव, रामानंद यादव, ललित यादव, ये कौन लोग हैं जिनके नाम से बिहार और वो इलाका थरथर कांपता है। आज भी अगर सुरेंद्र यादव गया में जब चलते हैं तो लोग डर के मारे कि सुरेंद्र यादव आ रहे हैं। ये ललित यादव जिन्होंने एक समय में एक दलित के पाँव में कील ठोकने का काम किया था, एक ट्रक ड्राइवर का मामला था, मैं ही था उस समय विधानसभा में, कितना हंगामा हुआ था। ये रामानंद यादव एक समय पटना के डॉन रहे। कार्तिक कुमार ये अनंत सिंह का दाहिना हाथ है। मैं अभी देख रहा था कि एक किडनैपिंग का भी केस इनके ऊपर दर्ज है। तो आप नीतीश जी ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करके क्या मैसेज देना चाहते हैं?